आई होप प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं सबके सब। तो चलिए चलते हैं। कैसे बोलता है क्या? गाइज वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। अभी मैं लगा रही हूँ अपने हेयर से ममा अर्थ का हेयर ऑयल, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इसका जो रिव्यू होगा अपने इस व्लॉग के पहले ही शेयर कर चुकी रहूँगी शायद। और काफ़ी अच्छी स्मेल भी है इस ऑयल की, मतलब एकदम ऑनियन जैसी तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी मिलती हूँ गाइज आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं अपना हेयर ऑयल अच्छे तरीके से करवा लूँ। Guys, look at him. इतना क्यूट लग रहा है ना, बन रहा है। तन्वी कौन है ये? एक का पैर टूट गया, ये कालू। क्या है? कालू। इसका नाम कालू है? रुक जाओ। तन्वी कुत्ता कैसे बोलता है? कैसे कैसे? दो तीन बार बोलो। और कैसे बुलाता है तुमको? कैसे बुलाता बता दो। बहुत गर्म है ये। बाबू चलो, खाने का समय हो गया ना। खाने का समय हो गया। खाने का समय। अच्छा वहाँ देखो छोटा सा, ऊपर से देखते हैं लोग। गाइस आप लोग देखिए वहाँ पे कितने छोटे छोटे पप्पीज हैं। ये एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है वाइट वाला। तन्वी गिर गई तो क्या होगा? गाइस अभी शाम का टाइम है, 3 या 4 बज रहा है। कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। एंड हम लोग जा रहे हैं कलब्रिज जो कि सुल्तानपुर में। आप लोग को उसका भी टूर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। हम लोग कलवृक्ष पहुंच चुके हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि कलब्रिज में धागा बांधने से आप जो भी विशेष मांगते हो वो पूरी होती हैं। तो इसकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे धागा बांधने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली इसी के लिए यहाँ पे आई हुई धागा बांधने के लिए। तो मेरी भी कोई विश थी जिसको मुझे बोलना था भगवान जी से। देखो पूजा करते टाइम यहाँ पे ये सारे आई हो प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं, सबके सब इकट्ठे इसमें घुसे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये लोग भी पूजा कर रहे हैं। गो गो ले क्या यार, पूजा ही तो कर रहे हैं। ये आ गए इनकी, इधर इधर फेंको, इधर इधर फेंको, इधर फेंको। मम्मी गुस्सा कर रही बेटा। वेल गाइस अभी मैं जा रही हूँ धागा बांधने के लिए, और ये रहा धागा जो कि यहीं पे डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन कहाँ से तो बोलते हैं कि जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है धागा बांधने के बाद, तो उसके बाद धागा तोड़ दिया जाता है। एंड सेम वही चीज़ यहाँ पे ये कर रही है, क्योंकि इसने कोई मन्नत मांगा हुआ था एंड अभी मन्नत पूरी हो गई है। धीरे से चलो। कह रहे थे ना सही से करो। Thank you.
लोगों ने धागा बांध दिया हुआ है। वैसे आप लोग मुझे काउंट करके बताना मैं एक वीडियो में कितनी बार आप लोगों को गाइस कहती हूँ, मतलब इस वीडियो में आपको कितनी बार गाइस बोल रही हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीछे से इधर जाने का रास्ता है एंड राउंड 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 ऐसे है एंड यहाँ पे भगवान जी की फोटो लगी हुई है, आप लोग भी पैर छू लीजिए गाइस। और वो लड़की पागल वहाँ खड़ी हुई है, बीच में कोई ट्री पीपल का पेड़ है ये, एंड आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाऊँ। लुक एट दिस, वाओ। दो ना पोज, ये इनको देखो तुमको देख के इसे चक्कर आने लगा। अब तुम खूबसूरत पोज दो, दे दो ना, दे दो। गाइस हम लोगों ने खूब ढेर सारी फोटो क्लिक करी है, धागा बांध दिया है, पूजा कर ली है और आई होप मैंने पूरा कलवृक्ष भी आपको दिखाई दिया है, तो आप लोग देख लो यहाँ से कुछ ऐसा है। और मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कलवृक्ष जो है वो सुल्तानपुर में है और कहीं एक और जगह पे है जो कि मुझे याद नहीं है। तो कलवृक्ष बहुत ज़्यादा लकी होता है और यहाँ पर जो भी विशेज मांगी जाती हैं ऐसा लोग बोलते हैं कि कम्प्लीट पूरी होती है। वैसे विश अगर मांग रहे हो मांगने लायक पूरी होने लायक मांगोगे तो ज़रूर पूरी होगी, उसके पीछे मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तो मैंने मांगी हुई है, हो सकता है भगवान जी सुन ले मेरी विश और वो विश पूरी हो जाए। तो यस गाइस, यस यस, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट, एज यू नो कि लड़कियाँ कहीं जाएँ और फ़ोटो क्लिक करें ऐसा तो हो नहीं सकता। और आज मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग करा है, बिंदी बिंदी लगा लिया है। हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है ये? हाय पप्पी, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? एंड इनके कुछ सिबलिंग्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। आई होप यहाँ पे जो आग जलती है ना, ऐसे यहाँ पे आग जली है, वहाँ पे आग जली है, तो इसमें इन लोगों को थोड़ा थोड़ा गर्म लगता है, तो ये लोग इसके बीच में जाके बैठ जाते हैं आग बुझने के। एट दिस लोकेशन गाइस, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। और पीसफुल टाइम पे ये डॉगीज़ आ गए हैं, मतलब पपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके फ्रंट में, अभी हम लोग इसके बैक साइड में थे मंदिर के, अभी फ्रंट साइड में जा रहे हैं और अपना शू स्लीपर्स पहनेंगे। दिस इज़ फ्रंट ऑफ दिस टेम्पल, आप लोग देख सकते हो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे हैं। एंड इसी के जस्ट सामने ये है कलवृक्ष, तो बहुत ही खूबसूरत ये ट्री है, बीच में टूट भी चुका था और पता नहीं कैसे अभी ठीक भी हो गया है। गाइज यहाँ पे भी कुछ पूजा वगैरह किया जाता है एंड ये लड़की, दोनों लड़कियाँ वही कर रही हैं और पूजा करते टाइम ये लोग भी पूजा करने के लिए आ ही जाते हैं जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये लोग भी पूजा ही कर रहे हैं। एंड उस मंदिर के सामने यहाँ पे बैठने के लिए कुछ बना हुआ है एंड यहाँ पे पूजा कर रही हैं। यहाँ पे कलवृक्ष है, छोटे से एरिया में सब कुछ है। मेरे कोचिंग का टाइम हो चुका है गाइस, तो अभी ये लोगों ने करवा दिया है लेट एंड अभी मैं खाऊंगी प्रसाद, मैं जाऊंगी कोचिंग, ये दोनों जाएंगे घर, क्योंकि हम अब कहीं भी जाते हैं तो पहले मुझे कोचिंग ही जाना होता है, भागते हुए मुझे बैग लेके ही जाना पड़ता है क्योंकि मेरे कोचिंग का टाइम बहुत गड़बड़ है। हाँ मैगी मिलती है, तुम्हें तो कह रही थी। हाँ मिलती तो है, चलो खाएं।
सडनली प्लान हो गया मैगी खाने का गाइस। गाइस मैं कोचिंग में पहुंच चुकी हूँ, अभी दूसरी क्लास चल रही है। इस कोचिंग से घर आने के बाद ये है हमारा स्नैक टाइम एंड ये है टेस्टी टेस्टी सा टेस्टी सी मैक्रोनी बोलो या पास्ता बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल लो, क्योंकि कोई लोग इसको कुछ लोग पास्ता बोलते हैं, कुछ लोग मैक्रोनी भी बोलते हैं। एंड ये है चाय जो कि दिख रही है बहुत टेस्टी, लेकिन पता नहीं कैसा है क्योंकि इस लड़की ने बनाया है, दुष्ट लड़की ने। गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज है 30 दिसंबर, बहुत अच्छा दिन था आज का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब इससे अच्छा और क्या होता कि भगवान के यहाँ पे हम लोग गए, भगवान के यहाँ पे नहीं गए लेकिन भगवान का दर्शन करने गए थे, तो बहुत अच्छा दिन था आज का। और कल होगा इस साल का लास्ट डे, तो कल का भी व्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।